भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्णा गौर ने पीसी की, जिसमें उन्होंने कोरोना काल के दौरान किए जा रहे कार्यों का बखान किया और प्रदेश सरकार की योजनाओं, फैसलों, रणनीति की तारीफ की। कृष्णा गौर ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 माह का राशन मुफ्त गरीबों को देने का ऐलान किया है। आयुष्मान कार्ड धारक परिवारों को कोरोना का मुफ्त इलाज, कोरोना से मृत कर्मचारियों को 5 लाख और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की है और अब कोरोना की दूसरी लहर में मरने वालों के परिवार को 1 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा कर ये बता दिया है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग के साथ खड़ी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के भाव से जिस प्रकार से लोगों की सेवा की है, चाहे वो भोजन वितरित करने की बात हो, चाहे वो राशन किट वितरित करने की बात हो, लगातार हर वार्ड में हमारी समितियां बनी, हमारे कार्यकर्ताओं की समितियां बनी और कार्यकर्ताओं की समितियों के माध्यम से हमने ये तय किया कि जिस परिवार में कोई संक्रमित है वहां पर जाकर उनको भोजन की, राशन की व्यवस्था हम करें और यदि कोई परिवार का कोई सदस्य दुनिया से चला गया है तो उनकी भी हम सूची बनाना प्रारंभ करें कि भविष्य में जब भी कभी कोई ऐसी योजना आएगी तो हम इन लोगों को लाभ दिलाने का काम करेंगे। आज मुझे वास्तव में आप सबके सामने कहते हुए ये प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया। सरकारी कर्मचारियों के परिवार से यदि सरकारी कर्मचारी यदि कोई इस कोरोना काल में यदि काम करते करते वो इस का शिकार हुआ है, इस बीमारी का शिकार हुआ है तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति होगी, 5 लाख रुपए इस परिवार को सहायता दी जाएगी। और उसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि जो परिवार जिनके असहारे चले गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, उन परिवारों को भी 5,000 रुपए पेंशन के रूप में सरकार देने का काम करेगी।